मेरा विश्वास इस पर आधारित नहीं होना चाहिए कि मैं प्रभु पर इसलिए विश्वास करूंगा कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में चमत्कार करेंगे। फिर में प्यारे दोस्तों, हम आज के पवित्र सुसमाचार में यह पढ़ते हैं कि अधिपति के निवेदन करने पर प्रभु यीशु उसके बेटे को चंगा कर देते हैं। और जब अधिपति यह देखता है कि उसका बेटा चंगा हो गया है, वह स्वयं और उसके परिवार के सारे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। यदि हम यह सवाल पूछें कि प्रभु यीशु लोगों के सामने इस प्रकार से चमत्कार क्यों करते हैं, क्या इस बात को लेकर के वे लोगों के सामने चमत्कार करते हैं ताकि लोग इन चमत्कारों को देखकर उस पर विश्वास करना शुरू कर दें? प्रभु यीशु लोगों के सामने इस बात को लेकर के चमत्कार करते हैं ताकि वे इस बात को प्रकट कर सकें कि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं, वह इस संसार के मुक्तिदाता हैं, वे जीवनदाता हैं, सर्वसंपन्न सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। इसीलिए प्रभु यीशु लोगों के सामने अलग अलग प्रकार से चमत्कार करते हैं ताकि वे अपना सामर्थ्य को लोगों के सामने प्रकट कर सकें और इन चमत्कारों को देख करके लोग पहचान पाएं कि प्रभु यीशु ही उन सबों का मुक्तिदाता है, चंगाई दाता है, जीवन दाता है। और हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 36 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि ये लोग बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह है। प्रभु यीशु कई बार लोगों के लिए चमत्कार करते हैं दया से द्रवित होकर के, उन पर उन्हें दया आती है। इसी वजह से प्रभु यीशु लोगों के सामने अलग अलग प्रकार से चमत्कार करते हैं। जब हम आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं तो हमें यह बात को लेकर के सवाल पूछना है, क्या मैं प्रभु यीशु पर इसलिए विश्वास करता हूँ कि मैं मेरे जीवन में प्रभु के द्वारा चमत्कार पाना चाहता हूँ? क्या मैं प्रभु पर इसलिए विश्वास करना चाहता हूँ कि मैं इस अपेक्षा में रहता हूँ कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में एक दिन बड़ा चमत्कार करेंगे? ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, प्रभु पर हमारा विश्वास इस बात को लेकर के आधारित होना चाहिए कि वे हमारे मुक्तिदाता हैं, वे हमारे जीवनदाता हैं। उन्होंने हम सबों की मुक्ति के लिए क्रूस पर अपने प्राण को अर्पित कर दिया। हमारा विश्वास इस पर आधारित होना चाहिए। प्रभु यीशु हमारे जीवनदाता हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। इसीलिए हमारा विश्वास प्रभु पर आधारित होना चाहिए, ये नहीं कि मैं प्रभु पर इसलिए विश्वास करता हूँ कि मैं प्रभु से चमत्कार की अपेक्षा करता हूँ। और मेरा विश्वास इस पर आधारित नहीं होना चाहिए कि मैं प्रभु पर इसलिए विश्वास करूँगा कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में चमत्कार करेंगे। यदि वे मेरे जीवन में चमत्कार नहीं करेंगे तो मैं अपना विश्वास प्रभु के प्रति धीरे धीरे कम करता जाऊंगा। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हमारा विश्वास प्रभु पर इसी बात पर आधारित होना चाहिए कि प्रभु यीशु मेरे मुक्तिदाता हैं। उन्होंने मेरे लिए क्रूस पर अपने प्राण की आहुति दी है, ना कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में चमत्कार करेंगे इसलिए मैं प्रभु पर विश्वास करूंगा। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सामर्थ्य प्रदान करें, कृपा प्रदान करें उस पर विश्वास करने के लिए और उसे अपने मुक्तिदाता के रूप में पहचानने के लिए। आमीन।